अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है, और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत चीन के बीच सीमा पर चल रहे विवाद को लेकर दोनों देशों के शीर्ष सैन्य कमांडर्स के बीच बातचीत जारी है। 14 कॉप्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अपने चीनी समकक्ष से इस संकट के समाधान को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस वार्ता का अनुरोध भारत की ओर से किया गया है और ये भारतीय सीमा बिंदु पर चुशुल मोल्डो इलाके में हो रही है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर पिछले एक महीने से दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने बिना नाम लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के दिल्ली दंगे से पहले दिए गए बयान को हिंसा भड़काने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे मामले हुए हैं जहां उदाहरण के तौर पर किसी ने कहा कि अगर पुलिस ने ये काम नहीं किया तो हमारे समर्थक आएंगे और सड़कें खाली कराएंगे। ये अपने समर्थकों को सीधे सीधे हिंसा के लिए भड़काने का ज्यादा प्रत्यक्ष मामला है। जुकरबर्ग ने कहा कि इस तरह के आशय वाली सामग्री कंपनी बर्दाश्त नहीं करती। बता दें, अमेरिका में नस्लभेदी विरोधी प्रदर्शनों ने फेसबुक के भीतर भी माहौल गर्मा दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि ट्रंप द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिया गया हिंसक बयान फेसबुक से हटाया जाना चाहिए था, जिसको लेकर ही जुकरबर्ग ने बीते मंगलवार को अपने करीब 25,000 कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की रविवार यानी 7 जून को शाम में बिहार में डिजिटल रैली है, लेकिन इस बीच बिहार NDA के एक बड़े घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बयान देकर खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि चेहरा कौन होगा, गठबंधन का नेता कौन होगा, ये कुछ ऐसा है जो उसके सबसे बड़े घटक भाजपा को तय करना है। भाजपा जो भी निर्णय लेगी उसमें लोजपा दृढ़ता के साथ खड़ी रहेगी। बता दें कि इस साल के अक्टूबर नवंबर तक होने वाले चुनाव के लिए भाजपा पहले ही नीतीश कुमार को सत्तारूढ़ NDA गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर चुकी है, लेकिन प्रवासी संकट, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच JDU और BJP में सियासी दरार की अटकलें लगाई जाती रही हैं। भारत में कोरोना के मामलों में एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी उछाल देखी गई है। देश में बीते 24 घंटों में 9,887 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 294 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या 236,657 हो गई है, जिनमें से 114,073 लोग ठीक हो चुके हैं और 115,942 सक्रिय मामले हैं। भारत ने कोरोना के मामलों में इटली को पीछे छोड़ दिया है, जिसके साथ ही कोरोना के संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में 6वें स्थान पर आ गया है। इटली में कोरोना के मामले 234,531 हैं, वहीं भारत में संक्रमितों की संख्या 236,954 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए मामले रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 80,000 को पार कर चुकी है। वहीं अब एक नया चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मृत्यु दर जलगांव जिले की है। इस जिले में डेथ रेट 12.3% है, जो राष्ट्रीय औसत का करीब 4 गुना ज्यादा है। कोरोना वायरस की भारत में औसत मृत्यु दर 2.8 है। जलगांव जिला मुंबई से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ प्राइवेट अस्पतालों पर बेड की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक लाइव संदेश में कहा कि दिल्ली के कुछ निजी अस्पताल पहले जानबूझकर लोगों से बेड भरने की बात कह रहे हैं और ज्यादा गिड़गिड़ाने पर लाखों रुपए मांगते हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली के स्वास्थ्य तंत्र में निजी अस्पतालों ने बहुत योगदान दिया है, मैं उन्हें सलाम करता हूं, लेकिन बहुत से अस्पताल इस महामारी के वक्त भी गलत हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के मामले 90,000 को पार कर गए हैं। वहीं इसके कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 1900 को पार कर चुका है। पाकिस्तान में सबसे अधिक संक्रमण के मामले सिंध प्रांत में हैं, जहां ये संख्या 34,000 है, और सबसे अधिक मौतें पंजाब प्रांत में हुई हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मानहानि मामले में पाकिस्तान की कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ द्वारा देश के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2017 में शाहबाज पर घूस देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि शाहबाज ने उन्हें $61 मिलियन की रकम घूस के तौर पर देने की पेशकश की थी और कहा था कि उनके 70 वर्षीय बड़े भाई व देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स मामले से हटवा दें। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 67,41,812 हो गई है, वहीं मरने वालों का आंकड़ा 3,95,011 हो गया है। इसके अलावा वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 33,51,229 हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में बीते 24 घंटों में 922 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,09,143 हो गया है।
इसके अलावा संक्रमितों की संख्या 18,97,838 है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से चीन पर कोरोना को लेकर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने चीन से पूछा कि अगर वायरस था तो ये वुहान शहर के अलावा चीन के बाकी शहरों में क्यों नहीं फैला। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस चीन की तरफ से दिया गया एक तोहफा है जो अच्छा नहीं है। उन्हें इसके शुरू होने पर ही इसे रोक लेना चाहिए था। ये काफी बुरा तोहफा है। वुहान शहर जहां इससे कोरोना की शुरुआत हुई, वहां इससे काफी परेशानी हुई, लेकिन इसका असर चीन के अन्य इलाकों पर नहीं हुआ। आखिर कैसे? ब्राजील में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,005 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 34,021 हो गया है। वहीं संक्रमितों की संख्या 6,14,941 है। रूस में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 4,49,256 है। इसके अलावा मरने वालों की संख्या 5,520 हो गई है। रूस कोरोना के मामलों में दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।